वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत ही टाइम से वेट था इस वीडियो का। मैं बोलूंगा कि सब स्टूडेंट्स को वेट था कि किस कब हमें पता चलेगा कि इस बार के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, और अब जब होने वाले हैं तो वो कब होने वाले हैं, एग्जैक्ट डेट्स। तो आज हमारे सामने जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने डेट शीट रिलीज कर दी है 10th और 12th की। आइए चलते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 10th की हमारे पास पहले यहाँ पर डेट शीट है, जो कि स्टार्ट हो रही है 4th ऑफ मई को, और जो 12th के जो एग्जाम्स हैं वो भी 4th ऑफ मई को ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो 4th ऑफ मई को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और जो टाइमिंग है एग्जाम्स के वो होंगे 10:30 to 1:30 PM, तो सुबह का टाइम है, सबको पता ही है ये। तो पहला एग्जाम 10th के लिए जो मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो है 6th को, जो कि होगा इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का। तो आप डेट्स नोट कर लें। हिंदी का एग्जाम है आपका 10th ऑफ मई को, 4 दिन का गैप है, तो आराम से प्रिपरेशन करें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 11th ऑफ मई को लैंग्वेजेस का है, ज़्यादा बच्चों का नहीं होगा, मेजरली कुछ बच्चों का होगा, वो अपनी डेट्स नोट डाउन करते रहें। इस वक्त इस मैं बोलूँगा कि डेट शीट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है 15th ऑफ मई को है आपका साइंस का एग्जाम, सॉरी साइंस थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी होगा यहाँ पर। उसके बाद पेंटिंग हो गया, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपका थोड़ा सा टाइम देने के बाद 21 ऑफ मई को है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस बार मैथमेटिक्स के दो लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, जो कि होगा 21 मई को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको कितने टाइम मिल रहा है, साइंस 15 तारीख को हो रहा है, उसके बाद सीधा 21 तारीख को। मेजोरिटी ऑफ बच्चों को यहाँ पे अच्छा खासा 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन सा सोशल साइंस का एग्जाम है 27th को। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी ने ले रखा हो तो उसको 29th का एग्जाम है। आगे है कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट है एग्जाम 7th ऑफ जून। इस बार बहुत ही लंबे एग्जाम जाने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, टाइम भी कुछ ऐसा है अनप्रिडिक्टेबल, बट आप पढ़ना स्टार्ट कर दें 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरेशन जो है एग्जाम की वो पहले से ही ऊपर बता रखी है, और हर पेपर की ड्यूरेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, अपने टाइम वहाँ पे चेक कर लें। तो बुकलेट आपको जो मिल जाएगी वो हो जाएगी 10 से 10:15 के बीच में आपको बुकलेट मिल जाएगी। पहले 15 मिनट आपको क्या होगा, रीडिंग टाइम मिलेगा, ओके, रीडिंग टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपको 10:30 आपको पेपर स्टार्ट करना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज विजिट करें cbse.nic.in, यहाँ पर आपको अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब जल्दी से देख लेते हैं क्लास 12th की भी जो डेट शीट है उसे। तो क्लास 12th की जो डेट शीट है वो भी आपकी स्टार्ट हो रही है 4th ऑफ मई को। यहाँ पे दो शिफ्ट दे रखी है, मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट, तो मैक्सिमम पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। पहला ही पेपर आपका इंग्लिश का है, तो 12th के लिए हम कह सकते हैं 4th ऑफ मई को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 10th के लिए जो था वो 6th ऑफ मई का था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अभी इम्पोर्टेंट या फिजिकल एजुकेशन काफी बच्चे लेते हैं इसको, जो कि आपको मिल जाएगा 8th ऑफ मई का पेपर है। आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा पेपर, बिजनेस स्टडीज का पेपर बहुत सारे बच्चे लेते हैं, 12th ऑफ मई का है। फैशन स्टडीज जो है वो 11th ऑफ मई है। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स साइंस सेक्शन के बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रह जाता है, तो 13th ऑफ मई को आपका पेपर ये है फिजिक्स का, सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक। आगे है अकाउंटेंसी का पेपर है 7th। सो जो कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा खासा गैप है यहाँ पर 5 दिन का। बिजनेस स्टडीज का 12 तारीख को है, और उसके बाद सीधा जाके आपको मिलेगा 17 तारीख को अकाउंटेंसी का। केमिस्ट्री के लिए 18 तारीख को, तो 4-5 दिन का गैप तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए भी है। फिजिक्स मतलब साइंस सेक्शन के बच्चों के लिए, आर्ट सेक्शन के बच्चों के लिए देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस 19th ऑफ मई। उसके बाद आपके यहाँ पर एक पेपर आफ्टरनून में है, वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस का है, ज़्यादा बच्चों के पास नहीं होगा, इलेक्टिव है वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी है, बायो हो गया 24th ऑफ मई, इकोनॉमिक्स हो गया 25th ऑफ मई, अच्छा खासा गैप है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं,
सोशियोलॉजी हो गया 28 मई, हिंदी हो गया 31 मई, मैथमेटिक्स हो गया 18 मई। तो आई थिंक नॉर्मली बच्चे कॉमर्स और साइंस सेक्शन के बच्चे ज़्यादा लेते हैं, तो अगर कॉमर्स के लिए देखूं 25 मई के बाद आपको मिल रहा है 1 जून, तो इसमें भी 5-6 दिन का गैप अच्छा खासा है, तो अच्छे से तैयारी हो सकती है। अब आखिरी में देख लेते हैं इसके अंदर कब पेपर एंड हो रहे हैं आपके, 11 जून को जाके पेपर खत्म हो रहे हैं, और बाकी सारी सारी डिटेल्स आपको आपके पास मिल जाएंगी। ये आपको लिंक मिल जाएगा इस वर्कशीट सॉरी इस डेट शीट का, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।